अस्सलाम वालेकुम जी, सब लोग कैसे हैं? सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रहे, आज सिर्फ हम आपके साथ पहली इफ्तारी अपनी शेयर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें पहले भी बनी हुई हैं, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हम पकौड़े बना रहे हैं और साथ ही सारी बच्चों की फरमाइश थे, ये रोल्स बनाए हैं, चिकन पफ्स बनाए हैं। चिकन पफ्स भी हमने सिखाए हुए, वो जो पराठा रोल था तो उसमें सेम ऐसे ही आपने बनाने हैं, ठीक है। ये टिक्कियां बनाई हैं, नगेट्स बनाए हैं, सारी चीजें बनाई हैं। नगेट्स भी हमने पिछली वीडियो में हैं, चिकन नगेट्स और चीज नगेट्स दोनों हैं, सब कुछ है। तो आप सब, अल्लाह ताला आप सबको इस रमजान में खुशियां नसीब करे। अल्लाह ताला सबकी नेक दिली तमन्ना ख्वाहिश सब पूरी करे, अपने हिफ्ज व ईमान में रखे सबको, और सबको फिर एक दफा बहुत बहुत रमजान मुबारक। चलें आपके साथ अब अपनी पहली इफ्तारी शेयर करते हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इफ्तारी हमारी तैयार हो गई है, बहुत ही, अब मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसी बनी है, इसलिए कि सबका घर में रोज़ है और मुझे लग रहा है कि बहुत ही यमी और टेस्टी है, ठीक है। ये सारे बच्चों की फरमाइश पे, ये वैसे ऑयल तो कम ही खाना चाहिए, मगर आज पहला रोज़ा था तो इनकी सारी फरमाइशें पूरी की हैं। साथ फ्रूट सलाद बनाई है, खजूरें हैं और साथ हमने जूस बनाया है स्ट्रॉबेरी का। तो सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो, और प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। आप सबको मैं भी दुआओं में याद रखूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, फिर एक दफ़ा कह रही हूँ, प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अपना ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, रमज़ान मुबारक।